झांसी में पहली कोरोना मरीज कमला देवी को आखिर रिपोर्ट नेगेटिव आने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस मौके पर जिलाधिकारी के साथ समस्त स्वास्थ्य कर्मियों ने महिला का ताड़ियां बजाकर स्वागत किया। संपूर्ण विश्व के लिए वैश्विक महामारी बन चुका कोरोना अब झांसी में भी अपने पैर पसार चुका है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं राहत की बात यह भी है कि कई मरीज धीरे धीरे स्वस्थ भी हो रहे हैं। झांसी की पहली महिला पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट अब नेगेटिव आई तो उसे मेडिकल कॉलेज से शनिवार की शाम को डिस्चार्ज किया गया। इस मौके पर स्वयं जिलाधिकारी आंद्रा बामसी मौके पर पहुंचे और महिला कमला देवी को मेडिकल टीम के साथ तालियां बजाकर उनका सम्मान किया। यह सम्मान दरअसल इसलिए था क्योंकि वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रही महिला ने कोरोना को मात दी थी। आपको बता दें कि अगर आप भी कोरोना से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो कुछ बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि सभी से एक निश्चित दूरी बनाएं, ज़्यादातर घर पर ही रहें। अगर किसी वजह से बाहर निकलें तो अपने मुंह को मास्क या रुमाल से ढक कर रखें। इसके अलावा चश्मा लगाएं। अगर मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं। वहीं अगर आपको कुछ शारीरिक परेशानी हो या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हों तो चिकित्सक की सलाह लें। सांस लेने में तकलीफ होने पर सीधे अस्पताल जाकर अपनी जाँच कराएं। यदि आप कोरोना से संक्रमित भी हो जाएं तो घबराएं नहीं, आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता भी कोरोना को हरा सकती है। इसलिए भोजन में वह चीज़ें खाएं जो आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाएं। नशे का सेवन ना करें। ध्यान रखिए, आपको खुद इस आपदा से निपटना है, साथ ही अपने परिवार को भी बचाना है। इसलिए नियमों का पालन करें, घरों पर ही रहें। मेडिकल कॉलेज में आज कितने पेशेंट कोविड के डिस्चार्ज हुए? जनपद झांसी में लगभग 21 कोविड केसेस पॉजिटिव पाए गए थे और 21 पॉजिटिव केसेस में दो केसेस की मौत हुई थी, जिसमें अन्य गंभीर बीमारी हैं और इमरजेंसी में आए तो फिर तो इमरजेंसी में उनकी डेथ भी हुई थी। साथ में अभी जो 19 केसेस में आज दोबारा सारी टेस्ट कराना पड़ा था और टेस्ट में भी लगभग 7 केसेस नेगेटिव निकल के आए। और जो पहला पेशेंट है उनका 14 दिन पूरी हो गया, तो फिर इसको हम डिस्चार्ज कर दे रहे। और वर्तमान में झांसी जनपद में लगभग 12 केसेस है जो कोविड पॉजिटिव है। और साथ में ये देखना है कि परसों जो हमारा कॉन्स्टेबल्स जो दो लोगों का जो पॉजिटिव आया था वो आज नेगेटिव हो गया, और एक जलालपुरा गांव से जो पॉजिटिव आया था वो भी नेगेटिव हो गया, और आज एक नया केस आया है जो सायरा बेगम नाम से है, 80 साल की महिला है सिपरी में। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये यहाँ की जो टेंडेंसी है पॉजिटिव तुरंत नेगेटिव हो रहा है, और जो जिनकी गंभीर बीमारी जैसे डायबिटिक है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित हैं, जैसे कोई इन्फेक्शंस है जिसकी इलाज ठीक ठाक नहीं हो पाई है, उन लोगों का तो ज़्यादा खतरे में है। और ऐसे कोई भी मरीज़ हो वो थोड़ा सतर्क रहे सोशल डिस्टेंसिंग पैटर्न पे और अपना मास्क और सैनिटाइजर्स की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। साथ में ये भी कहना है कि इन लोगों का जो भी नेगेटिव आया है इनको 14 दिन के बाद इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन करके ही हम लोग रिलैक्स कर देंगे। और शहर में इस वक्त 3 हॉटस्पॉट घोषित किया गया, एक तो ओरचा गेट की इलाका है, दूसरा सिपरी बाज़ार है दीनदयाल नगर सिपरी बाज़ार, और तीसरा कोतवाली एरिया की जो बहजाद नाम से एक जिनकी मौत हुई उस एरिया की है। और माधव घोष जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर तो सारे लोगों की सैंपलिंग की गई, वहाँ पर सब नेगेटिव आया था। और अब सिपरी बाज़ार का भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रहा है, वो सारी चीज़ भी हम लोग सैंपल टेस्ट करके रिजल्ट जल्दी से जल्दी। झांसी से राहुल उपाध्याय के साथ मनीष अली की रिपोर्ट। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन, टीचर बनकर नहीं इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।